वेलकम टू सियासत मना है। काफ़ी इवेंटफुल हफ्ते के बाद हम ऑन एयर जा रहे हैं इस हफ्ते के सीरीज ऑफ शोज़ के साथ। एक काफ़ी इवेंटफुल हफ्ता कुछ इस तरह के पीर साहब पगाड़ा का इंतकाल हुआ, उनकी आज तदफीन हुई, एंड आवर थॉट्स आर विद हिज फैमिली एंड हिज ट्राइब एंड हिज पीपल। उसके अलावा पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने एक नोवेल डिसीजन कुछ इस तरह दिया कि जी जस्टिस थोड़ा साइड पर रख दें, हम आपको 6 ऑप्शन देते हैं, मल्टीपल चॉइस जस्टिस। आप पहला ऑप्शन अप्लाई कर लें, आप कह दें कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो थोड़े अजीब से आदमी हैं, आप सदर साहब कह दें कि मैं इम्यून हूँ, आप जो भी कहें मैं नहीं करूँगा, या फिर अवाम की राय, अवामुन्नास की राय हम देखें और सब लोग रोडों पे निकलें और इन लोगों को हमारे ऊपर से, जो आपके लोगों के ऊपर मुसल्लत हैं, इनको अवाम खुद ही हटाए। और फिर इन ऑप्शन के ऊपर डिबेट शुरू हो गई। ये डिबेट शायद थम गई कि सुप्रीम कोर्ट होते कौन हैं, ये सारी बातें करने वाले, एग्जीक्यूटिव के ऊपर तोहमत लगाने वाले। उसके अलावा डिफेंस सेक्रेटरी को डिसमिस कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने, और कुछ इसलिए कि डिफेंस सेक्रेटरी ने फौजियों की सुन ली और प्राइम मिनिस्टर साहब की नहीं सुनी। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो एक बार फिर हेड ऑन विद द आर्मी जाने की सोच रहे हैं शायद, या फिर एक बार फिर बैक ट्रैक कर लेंगे जिस तरह पहले भी कर चुके हैं। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गालिबन चाइना में थे जब ये सारी स्टेटमेंट सामने आई, तो चाइनीज़ टेलीविजन ने रिपोर्ट किया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और हमारी जो चीफ डिटेल है उसको बड़ा बुरा लगा ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पीछे पीठ पीछे कर दिया। हम इन दोनों नज़रियात को समझने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तानी अदल को समझने की कोशिश करेंगे, और उससे पहले हम पाकिस्तानी मिलिट्री थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं इकराम सेगल साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, मिलिट्री एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट, फॉर्मर मेंबर ऑफ द आर्मी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। सेगल साहब, पहले तो मैं आपसे वो सवाल पूछ लूँ जो मुझसे 300-400 दफ़ा इस हफ्ते पूछा जा चुका है, माशाल्लाह लग रहा है। नहीं तो फिर क्या हो रहा है? देखिए, मार्शल लॉ ये नहीं कि लग नहीं सकता है। वो तो मैं आपको हकीकत बताऊं कि आज अगर चीफ आर्मी स्टाफ बोले कि मैं लगा रहा हूं तो लग जाएगा, ठीक है जी, कोई उसको अपोज नहीं करेगा। और पाकिस्तान में हिस्टोरिकली 4 दफ़ा लगे हैं, 4 दफ़ा मिठाई बटे हैं कभी मेरे अजीज़ बताओ, हाँ भी, ठीक है जी। बट इस दफ़े नहीं लग रहा फॉर मेनी रीजंस। एक तो फ़ौज की जो क़ियादत है, फॉर मेनी रीजंस, और पहला रीज़न ये है कि जब उनने 2007 के 8 में जब इलेक्शंस हुई तो उन्होंने एक फ़ैसला किया था, जब 2007 में फैसला ये किया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रूट जाएंगे, और पहला इनका कदम ये था कि इन्होंने सिविलियन जितने भी अपने डिपार्टमेंट से अपने सब फौजी वापस बुला लिए थे और उसमें मुदाखलत नहीं की थी इलेक्शन में, और इसलिए पीपीपी को जो उनको मेजॉरिटी मिली उनको, हालांकि फौज पसंद नहीं करती है, पसंद करे ना पसंद करे, बट उनने ये बोला कि जी हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, डिस्पाइट मुशरफ साहब की जो रिक्वायरमेंट थी उस ज़माने में कि पीएमएलक्यू इतनी सीटें जीते, पीएमएलक्यू ने उतनी सीटें जीतने जितने वो डिज़र्व करते थे, पहले तो वो बात होगी। और दूसरी बात, जगह जगह पर उन्होंने अपनी सिविलियन क़ियादत को उन्हें सपोर्ट किया, और मैं समझता हूँ सपोर्ट करते गए। लॉन्ग मार्च में अगर वो बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली मुदाखलत नहीं करते, यू नो रूल्स ऑफ बिजनेस के साथ समरी नहीं देते डिफेंस सेक्रेटरी को कि जी वो नवाज शरीफ साहब ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं तो हम लॉ सेक्रेटरी पर जाके हम क्या करें, ठीक है, उन्होंने कोई टेलीफोन कॉल किया गुजरावाल में, उनको रोक लिया, जी जी, ठीक है, तो ये भी तो एक तरह की मुदाखलत ही हुई ना जी, बट वो अच्छी मुदाखलत हुई। तो मैं समझता हूँ कि इस फौजी क़ियादत ने बिल्कुल फ़ैसला ये कर लिया है, और जब उन्होंने देखा कि सुपीरियर जुडिशरी वो एक्टिविस्ट रोल ले रही है जो उनको पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट जुडिशरी ने कभी पहले नहीं लिया, तो जब उन्होंने ये देखा कि हाँ यहाँ पर हमें मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है, जब ये जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी कर रही जिस तरह होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट का। सिगल साहब, एडवेंचरिस्ट भी तो हो सकती है, एक्टिविस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा। जी देखिए, एडवेंचरिस्ट अगर आएगी वो तो बहुत, मैं और बता दूं कि जिस तरह गवर्नमेंट ने हरकत की हैं, जिस तरह जिलानी साहब ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो वो एडवेंचरिस्ट कर रही है फ्रॉम द लोअर रैंक्स। देखिए मैं जो जिस बात पर मैं डरता हूँ और अभी भी डरता हूँ, और मार्शल लॉ के वजह से मैं डरता हूँ कि फ़ौज में म्यूटनी की वजह अगर ये कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं जो एक दिन पहले दो दिन पहले हम समझ रहे होने वाला था, तो ये फ़ौज के अंदर लोअर रैंक्स में कर्नल को, कर्नल्स भी नीचे जा सकता था, दैट इट कुड हैव
इट कुड हैव गॉन आउट ऑफ हैंड बिकॉज आप देखें ना कर्नल्स एंड मेजर्स डू नॉट कमांड डिटैचमेंट्स द थिंग एंड देन देर मे बी अपोजिंग फोर्सेज अपोजिंग आइडियाज देर मे बी फाइट फॉर सर्वाइवल जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप लिबिया में अभी हालत देख लें आफ्टर दिस थिंग स्टिल ट्रिपली में देर आर थ्री फैक्शंस रूलिंग लड़ रहे हैं अभी भी लड़ रहे हैं ठीक है जी तो ये जो है ना ये मेरी डर है वो ये कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब इवन ही शूटिंग ऑफ हिज माउथ यू नो फ्रॉम टाइम टू टाइम सर इसमें तो पीपल्स पार्टी ने भी तो है कि उनको अगला इलेक्शन लड़ना नहीं आता अनलेस पिछले इलेक्शन में उनके साथ ज्यादा ना हुई हो देखिए थोड़ा सा ये भी थॉट आपने कुछ कहा था राइट एट बिगनिंग मैं उस पर एक वापस चाहता हूँ आपने बोला था कि मल्टीपल चॉइस दिया था तो वो होता है ना कि चूज योर पॉइजन जी ठीक है जी यू चूज योर पॉइजन पीपीपी डज नॉट वांट टू चूज द पॉइजन हां बिल्कुल दे वांट टू डाई बाय द सोर्ड ठीक है जी बिकॉज देखिए ना चूज योर पॉइजन अगर जो हो जाता है तो दुनिया ये बोलेगी कि ये लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से गए हैं जी देखिए पूरी दुनिया सुपीरियर जुडिशरी को वो करती है यू नो दे रिस्पेक्ट द वेनरेट करती है व्हाई डज द आर्मी व्हेनेवर इट कम्स इन दिस गो फॉर द go to the judiciary and get the ratified authentication and then the world says okay so the superior judiciary has ratified it so isliye jab ye chahte hain ke to die with a sword so that duniya ko bolenge dekhen hamare sath to zyada hamare sath to ye hum aapko itne din jo keh rahe the hum memo mein aapko kya keh rahe the ji humme memo ye keh rahe the sir sir maazrat khat kalami ki sir ye memo ke hawale se ye pura incident shuru bin laden ki raid ki wajah se hua देखिए बिन लादन के रेड के बाद इनको एक मौका मिला जो जो फौज को काबू करने का जो देखिए मैं हक्कानी साहब को पर्सनली जानता हूँ और उन्होंने जो बात की ना जो 71 मोमेंट वो बड़ी एक बात थी 71 में मैं जैसा पीछे जाता हूँ 71 में ये हुआ कि जब फौज सफर्ड दैट ह्यूमिलिएटिंग डिफीट इन ईस्ट पाकिस्तान राइट and it was really on the back foot and civilian government came into power pehla kaam unhone ye kiya ke 3rd march 1972 ko lieutenant general gulhasan ko unhone change karke chief army staff general tikka ko liya and because of general tikka he was first he stayed till 1975 as chief army staff and then he went as defense minister because of that the army very much remained under their civilian control you can say that is the only really civilian control of the butcher of bengal Yes, but it remained in the thing. So because a disciplined army and they took whatever GT. Nonsense was thrown at them. But the point is that they thought that this May 2 ka raid has put the army and the army was in a state of shock. Sorry. You know, aapko agar che bin Laden aapke most sacred institution ke bahar nazar aaye ki 200 Ilyasi Masjid ke nazdik, you know, Ilyasi Masjid is a very famous place for us people who have been to the thing. हम फौज में कहते हैं कि जब तक आपने फौजी अफसर इलियासी मस्जिद के नलकों का पानी नहीं पिया तो वो अफसर नहीं बनता क्योंकि वो 9 माइल रूट पे पड़ता है बात ये है कि ये बड़ा शॉक था मेंटल शॉक था मैं आपको ये बताता हूँ कि उस वक्त मैं उसके बाद मैं वाशिंगटन में था और मैं फौज से निकले हुए मुझे काफ़ी साल हो गए हैं ठीक है ना बट तभी भी मैं भी इन अ स्टेट ऑफ शॉक था वहाँ पर कि किस तरह हो सकता है कि वो वहां से निकला बिन लादन सहगल साहब एक बात बताएं मेमो गेट अगर कह लें मेमो का जो मेमोरेंडम का तनाजा है वो बिन लादन के बाद उसकी एक अपॉर्चुनिटी बनी बिन लादन वाली इवेंट पे आ जाते हैं सर सिविलियंस ने क्लेम किया कि जी जिसने भी आके मारा अच्छा मारा एक बहुत ही बड़े दहशतगर्द को मारा इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर और मीडिया ने इसको स्पिन किया कि कौमी गैरत कहाँ से आ गए क्यों आ गए सर मैंने फिर एक सवाल एक सियासतदान साहब से भी किया था आपसे भी काफ़ी नाइव सा सिंपल सा सवाल है लेकिन मेरे ख्याल से मेरा पूछने का हक बनता है कि अगर मेरे घर में एक कातिल आके ऊपर स्टोर रूम में रहना शुरू हो जाए 5 साल तक रहता रहे और वो मेरे घर के लोगों को नुकसान पहुँचा रहा हो और मुझे पता ना हो कि उनको नुकसान कैसे पहुँच रहा है और फिर मेरा एक पड़ोसी जो कि मुझे पसंद नहीं है या किसी और गली का आदमी जिसको मुझे पसंद नहीं है वो आके उस आदमी को मार दे तो मैं उससे पहले ये कहूँगा मेरे घर में कैसे घुसे या मैं इस बात से मुतमईन हो जाऊँगा कि जी एक कातिल नुमा आदमी मेरे घर में रहते हुए मर गया वो ख़तरनाक था हमें इसको एक सॉवरेन गैरत का इशू बनाना चाहिए था देखिए वो एक इशू इसलिए बनता है कि ये हेलीकॉप्टर्स क्रॉस किए इंटरनेशनल बॉर्डर दे केम अनडिटेक्टेड ठीक है देखिए मैं आपने ये सवाल अच्छा पूछा मेरे से पर आई टेल यू फॉर अ रीज़न व्हाई मैं एक सिक्योरिटी कंपनी ओन करता जी मैं एक बैंक को गार्ड कर रहा हूँ मेरे लोग उस बैंक पर डाका पड़ जाता है ठीक है जी मैं तो
पहले तो प्रोटेक्टिव होता हूँ ना मैं, मेरे गार्ड हैं, उस पर डाका पड़ा मुझे, वो पैसे तो गए गए लेकिन मेरी रेपुटेशन पर तो सली हो गई ना जी, सही। कि वो गार्ड मेरे थे, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, ठीक है जी। और वो हो चुका है मेरे साथ, ये नहीं कि आपको पता है आजकल डाके पड़ रहे हैं और काफ़ी डाके पड़ रहे हैं। तो बात ये होती है कि पहले आपकी सबसे पहले जो होती है ना वो आपकी प्रोटेक्टिव एक, तो सबसे पहली चीज़ जो हमने की वो गैरत होती है जी, और गैरत हर आदमी में होती है, ठीक है। इसमें वो देते हैं, और इसमें ये हुआ कि वो आए हमारे एक बड़े सेक्रेट इंस्टीट्यूशन के बाहर, वो थे और काफ़ी सालों से थे, अनडिटेक्टेड थे, और आ गए और हुआ। और उसके बाद जो दुनिया ने कहना शुरू किया, आप देखें ना, अगर आपको अपने लोग भी कहें और अपने लोग भी, आप देखें सिविलियन पब्लिक विद अप इन आर्म्स, एंड आई वेरी राइटली सो, ठीक है जी, वेरी राइटली सो, कि भाई हाउ कम ये किस तरह। लेकिन सर वो सिविलियन पब्लिक इसलिए अप इन आर्म्स हुई ना, इसलिए कि पहले तो ये आइडिया टूल किया गया, एक तो द ग्रेट विक्ट्री हमने कहा, उस हिसाब को चलने नहीं दिया ना, उसको हजम नहीं होने दिया, उसके हाजमे से पहले हमने कहना शुरू कर दिया भाई आपकी गैरत कहाँ है, हम से मुराद हम टेलीविजन वाले, ठीक है। जबकि ये थोड़ा सा कहना चाहिए था थोड़ा सा कि आदमी कातिल है, इसने आपके 35,000 जो पाकिस्तानी मरे वो इसकी वजह से मरे, इसकी जंग की वजह से मरे, इसके नज़रियात की वजह से मरे, इसके लोगों की वजह से मरे, इसके बॉम्ब की वजह से मरे, और इसके तोरा बोरा से यहाँ भाग के आने की वजह से मरे, ये सब भी कह देते। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एंड मैं एक्सप्लेन करना बड़ा डिफिकल्ट है, मैं बताता हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि अमेरिकन हेलीकॉप्टर आए, मुझे भी नहीं अच्छा लगा, अनडिटेक्टेड आए और उनने इसको मारा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उन लोगों ने मारा और हमारे हाथों से नहीं मारा, इसलिए क्योंकि हमारी पब्लिक परसेप्शन फीलिंग ऐसी है जी कि वो उसको हमने, वो एक कातिल था, ही वॉज अ मर्डरर, इसने, लेकिन पब्लिक परसेप्शन मिक्स थी, मिक्स थी, और वो ऐसा हो जाता कि जी देखें ना, यू नो ये इसने किसने मार दिया ये वो। मैं आपको बताता हूँ, अब आप लाल मस्जिद का केस ले लें, लाल मस्जिद के अंदर जो कुछ भी, आई एम नॉट प्रिवी टू द थिंग, बट देवर आर्म्स एंड एमिनेशन, व्हाट एक मॉस्क के अंदर रॉकेट लॉन्चर्स और ग्रेनेड्स और माइंस और मोर्टर्स और हैवी में, ये क्यों क्या कर रहे हैं, कहाँ की मस्जिद है, ठीक है जी। और वो इतने, लेकिन स्पिन बहुत अजीब दिया गया, और देखें वहाँ पर 65 SSG पीपल गॉट इंजर्ड, 17 और 18 गॉट किल्ड, क्यों, किस तरह मरे वो, somebody was not throwing stones at them or flowers at them, somebody they got killed but somebody was firing at them, ठीक है जी। लेकिन उनके बारे कोई नहीं पूछता है, उनके बारे पब्लिक में, यू नो, सो मेरा मतलब ये है कि इन द लॉन्ग रन वो बेहतर हुआ कि उनके हाथ मारे गए और उसको जाके उन्होंने बरी ऐसा किया कि हमें पता नहीं चला, ठीक है। इन द शॉर्ट रन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे लिए ह्यूमिलेशन हुई, एम्बेरसमेंट हुई, ह्यूमिलेशन हुई, गैरत, आप जितने जो भी आप लगा लें, बट मैं सबसे बड़ी बात कि फौज को, जो फौज एक बड़े, देखिए ये फौज ये खाली पीस टाइम आर्मी नहीं है, ये फौज स्वात में लड़ी है, हिसार में लड़ी है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी भी कोई कहीं ना कहीं फायर फाइट हो रही है। मेरी यूनिट 2 साल और 3 महीने के बाद साउथ वजीस्तान से वापस आई है, ठीक है। मैं आपको ले जाऊँगा मेरी यूनिट में, वहाँ पर लोग शहीद हुए हैं, उनके लोग IED से मरे हैं, वाउंडेड हुए हैं, ठीक है जी, वो कैजुअल्टीज लेके आए हैं ना वापस, ठीक है, और बैटल हार्डन्ड है, उनको ऐसी तो नहीं, बिल्कुल अगर बैटल हार्डन्ड नहीं है ना 2 साल के, तो देखें उस फौज के लिए जो इतनी कुर्बानियां दे रही है, इतनी सैक्रिफाइस दे रही है, पीछे खड़े होना हमारे साथ, यू नो, एक थोड़ी सी एक वो ह्यूमिलिएशन जो होती है ना, वो एडेड बढ़ती फोर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द फौज वॉज रियली डाउन एंड आउट, यू नो, रियली, और उसको काबू करने की कोशिश की, 71 मोमेंट जो था ना वो इट बिकेम अ 71 मोमेंट, राइट। सो जिसने भी ये कुछ किया, मैं देखिए मैं मुझे मैं हकानी साहब के कोई ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं हकानी साहब के फेवर में भी नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन हकानी साहब की करतूत जो है ना वो जो सर आप पहले ये बताइए सैकल साहब, हमें ब्रेक भी लेनी है, आप कौन से वाले हकानी साहब को जानते हैं, जमात इस्लामी वाले हकानी साहब, कंजर्वेटिव या लिबरल पीपल्स पार्टी वाले हकानी साहब? मैं वो चारों हकानी साहब को जानता हूँ, बिटवीन मॉस्क एंड द मिलिट्री, जो 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 मैं, क्योंकि मैं हकानी साहब की फैमिली को, जी फैमिली को, मैं उनकी पहली बीवी के बच्चों को इनके कहने पर मैंने फ्री गार्ड्स दिए 8 साल इस्लामाबाद में इनके रिक्वेस्ट पर,
फिर इनको मैंने खुद जब कराची में थे इनको मैंने गाड़ दिया. ब्रिलियंट मैन, अ वेरी वेरी क्लेवर. ही इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट पीपल दैट आई हैव एवर कम अक्रॉस. रियली देयर इज नो डाउट अबाउट इट. ठीक है ना. बट हिज जीनियस समटाइम्स रन्स अवे विद हिम. सही सही. तो एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद हम ये दिफा के ऊपर और दिफाई स्ट्रैटेजी और फौज की इस वक्त सोच पे तो बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ अथर मिनल्ला साहब होंगे इस्लामाबाद में. उनसे भी पूछेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट चौधरी के जानिसार बेशुमार बेशुमार कि अब करना क्या चाह रहा है. ये 6 पॉइंट मल्टीपल चॉइस जो एक दिया है अदल के नाम पे, इसको आगे हम किस तरह लेके जाएंगे. फुल बेंच क्या करेगी, फुल बेंच कब कॉन्स्टिट्यूट होगी, ये टाइम डिलेज क्यों हो रहे हैं. आप देख रहे हैं सियासत मनाए. आप हमारे शो पे अगर कमेंट करना चाहें तो facebook.com/siyasat पे जा सकते हैं. पुराने शोज भी देख सकते हैं. मतलब जब भी पेश कर सकते हैं. बैक विद यू आफ्टर ब्रेक.